सो हे व्हाट्स अप पब्लिक, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक साथ आ चुके हैं और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो ये सारा चीज़ जो आज की स्पीड में आप बताने वाला हूँ, ये सारा चीज़ काफ़ी हैवी एडिटिंग के अंदर आता है। बेसिकली आज की स्पीड में जिस एडिटिंग की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मेट पेंटिंग। ये सारा एडिटिंग आप लोग देखे होंगे, अगर तो आप लोगों ने इसे आफ्टर इफेक्ट में देखा होगा। बट आज के इस वीडियो में ये सारा चीज़ हम लोग काइन मास्टर पे करने वाले हैं, यानी कि मतलब फ़ोन पे करने वाले हैं। बेसिकली फ़ोन पे मेट पेंटिंग, जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिखाया ही, तो ये सारा चीज़ आज की स्पीड हम फोन पे करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना, लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ़ोन से करने वाले हैं सारा चीज़, मेट पेंटिंग वाला जो आप लोग इफेक्ट देखने वाले हो, ये हम फ़ोन पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे कुछ, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो वो सारा चीज़ सबसे पहले तो हमें सूट अच्छे से करना पड़ेगा। सूट इस तरह से करना है कि जितना पार्ट हमको यूज़ करना है उससे बाहर हमारा कोई भी, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सूट किया था तो मेरा सर बाहर जा रहा था रोड से बाहर, तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मतलब आपको इस तरह से सूट करना है जिससे कि आपका फुल बॉडी सब्जेक्ट, अगर आप कोई ह्यूमन बॉडी है तो आपका फुल बॉडी जो है एक रेगुलर कुछ शेप में होना चाहिए, जिससे कि हम उसको एक अच्छे से शेप दे सके और बाकी जो पार्ट हो उसमें हम कोई भी और सीनरी ऐड कर सके। जी हाँ, तो इसको पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपका जो बॉडी हो वो किसी एक रेगुलर शेप के अंदर में ही रहे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। इस तरह से आपको जो भी फुटेज है उसे शूट करना है, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो स्टेबल होना ही चाहिए, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। मोशन ट्रैकिंग थोड़ी करेंगे इसमें, हम सिंपल सा एकदम रखने वाले, एकदम स्टिल रहे बेटर रहे। एंड बस इसके बाद एडिटिंग के लिए हमें कुछ चाहिए रहेंगे, कुछ इमेजेस जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, या फिर आप खुद से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स आते हैं unsplash.com या फिर Pixabay, जो बोल लो प्रोनाउंस अगर गलत कर रहा हूँ तो, या फिर आप pixels.com, फिर मतलब ये सारा काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हो, नॉन कॉपीराइटेड होते हैं, तो लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये सारा वेबसाइट का आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे जो आपको अच्छा इमेज लगे आप उसे चूज कर सकते हो एंड डाउनलोड कर लो। एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द एडिटिंग पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ काइन मास्टर, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन द काइन मास्टर एप्लीकेशन। अगर आप लोगों के पास अगर नहीं हो देन क्या आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टा पे आ सकते हो, आईडी मैंने दे रखा है, आप इंस्टा पे आ सकते हो और वहाँ पे डीएम करना, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड चलो, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स पहले बना रखे, मैं आपको शुरू से बना के दिखाता हूँ। क्रिएट न्यू पे चलते हैं एंड 16:9, एंड आप अपना फुटेज पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। सिंपल फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। लेट्स से दिस इज माय फुटेज, एंड आपको क्या करना है कि आपको, मैंने कुछ बताया, मैंने फुटेज का स्टॉक फुटेजेस का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। एंड चलो मैं इंपोर्ट मारता हूँ, एंड आपको अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे और क्यों, देखो अब ध्यान से, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा क्रॉप, अगर क्रॉप में जाएं एंड इसको इनेबल कर दें और मास्किंग को ऊपर कर दें तो सही लग रहा है, ठीक है। एंड क्रॉपिंग के साथ साथ इसका शेप अगर हम इसमें कर दें, लेट्स से कौन सा शेप, ये वाला, तो अब आप देखोगे क्या, देखो क्या क्या देखने को, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे ऐसे कुछ फिट हो गया, ठीक है, तो ये डायरेक्टली फिट हो गया। तो इस तरह से आपको, जैसे कि ये आधा यहाँ पे भी फिट हो गया, एंड इसके बाद इसको हम इसमें थोड़ा सा कुछ छेड़छाड़ करते हैं, लेट्स से इसको इनेबल करते हैं, एंड इसमें कुछ इस टाइप का लगा सकते हैं हम लोग, इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं इधर, एंड इसको नहीं पलटेंगे, इसको भी हम कुछ करते हैं इसमें। आपको मतलब यहाँ पे ढंग से आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपके लिए कौन सा फिट बैठ रहा है, एंड क्रॉपिंग में आपको जो फेदर है उसको हमेशा अपने हिसाब से इंटेंसिटी आपका सेट कर सकते हो। एंड इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, एंड यहाँ पे मैं फिट करता हूँ, फिट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से हिल है तो यहाँ पे मैचिंग हो गया, देखो ये हल्का सा मैच कर गया ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। तो चलो अब मैं लाइक इस पर ट्राई करता हूँ एक बार, इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड डुप्लीकेट करता हूँ, एंड इसको मैं अब गोल शेप कर देता हूँ इसका, लेट्स से ये इस पर मैं जाऊँगा एंड गोल शेप कर देता हूँ, तो अब देखो क्या होगा, गोल शेप हो गया
एंड इसका घास वाला जो पार्ट है मैं उसको क्रॉप कर लेता हूँ फिलहाल। आपको मैंने बताया ना, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ टेक्निक वैसे तो नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके आपके फुटेज के हिसाब से यहाँ पे कैसे बैठ पा रहा है। तो देखो इधर लगभग मैं हल्का फुल्का बैठ गया इधर, एंड फिर से इसको हम करते हैं, एंड यहाँ पे इसको हम फिर से फेदर अप्लाई करेंगे, एंड इसको हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। एंड तो मैंने जल्दी जल्दी में किया है, देख सकते हो यहाँ पे फिट लगभग हो चुका है, जैसे देख सकते हो। और ये एक चीज, एक फुटेज यहाँ पे बच रहा है यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे भी आप कुछ लगा सकते हो। एंड इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कि मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। चलो प्रोजेक्ट में आपको ओपन करता हूँ, एंड देखो क्या देखोगे कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फुटेज यहाँ पे लगा रखे हैं। देखो काफ़ी सारे फुटेज ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ये था, ऐसे था, यहाँ पे लगा, ये लगा, ये लगा। और इसके बाद कलर ग्रेडिंग इज इम्पॉर्टेंट। कलर ग्रेडिंग कैसे यहाँ पे, मतलब आप मेन मेन चीज़ तो आप देख ली ना, मेन मेन इमेज कौन सा यहाँ पे लग रहा है। एंड इसके बाद सबसे, जब आपका मेन सारा, जैसे कि ये सारा यहाँ पे देखो मैंने सारा चीज़ जब लगा दिया, इसके बाद आता है मेन चीज़ कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग आपको करना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे, तो सिंपल, सबसे पहले तो पूरा फाइल्स को एक्सपोर्ट मारो, एंड एक्सपोर्ट मारने के बाद आपको कोलोरो ऐप ओपन करना है। कोलोरो ऐप, एंड मैंने इस पे पहले से वीडियो बना रखा है कोलोरो ऐप कैसे यूज़ करते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो आप डायरेक्टली उस वीडियो को देखो, एंड कलर ग्रेडिंग यहाँ से कर दो पूरा टोटल, एंड यू आर डन। बस हो गया आपका। सो दिस वॉज द एडिटिंग ऑफ दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो गाइज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वाया दिस आईडी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।